हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक मल्टीप्लिकेशन। हम लोग एक्सरसाइज थ्री में चल रहे थे, चैप्टर थ्री में चल रहे थे। तो चैप्टर थ्री का जो है आज का टॉपिक हुआ है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में गुना होता है, तो एक मल्टीप्लिकेशन का जो पूरा कम्बिनेशन में तीन टर्म होते हैं, एक होता है मल्टीप्लायर, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेंट और तीसरा होता है प्रोडक्ट। इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छी बात है। क्या है कि जिसमें गुना किया जाता है उसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं, और जिससे गुना किया जाता है उसको मल्टीप्लिकेंट कहते हैं, और गुना करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणनफल। इस तरीके से एक कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन में तीन टर्म होते हैं। देखिए, इसमें प्रॉपर्टी भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टियां भी है, उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझिएगा। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी जरा देखिएगा इसका ध्यान से। प्रॉपर्टीज क्या था कि किसी भी नंबर में यदि हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर प्राप्त होगा। पहला प्रॉपर्टी, जैसे माने जाए कि 52 है, 52 में यदि हम एक से गुना करेंगे तो हमें क्या आएगा, 52 ही आएगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर प्राप्त होता है। दूसरा जिसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा, या 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट 0 होगा। 0 से भी करेंगे किसी नंबर में, या 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या होगा, 0 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है कि क्या, तीसरी प्रॉपर्टी भी ध्यान दीजिएगा कि किसी भी होल नंबर को दूसरे होल नंबर के साथ या उसी होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वह होल नंबर ही होगा। जैसे 5 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आया, तो ये दोनों भी होल नंबर है और रिजल्ट भी जो आया हुआ भी क्या आया, होल नंबर ही आया। इस तरीके से ये प्रॉपर्टी हो गया। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी भी संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा चौथी प्रॉपर्टी। यहाँ देखिएगा, यदि 5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा वही 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी आएगा। इसको हम लोग चेंजिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसी को हम लोग चेंजिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। दैट मीन दोनों का रिजल्ट, ये प्रॉपर्टी क्या हो गया, प्रॉपर्टी ध्यान से समझिएगा। प्रॉपर्टी हो गया कि यदि ए को बी से गुना करेंगे तो जो आएगा वही बी को ए से गुना करने के साथ पास आएगा। ये चौथी प्रॉपर्टी थी। तो यही कुछ सब कुछ प्रॉपर्टियां है जिस पर जो है आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए, एक प्रॉपर्टी और थोड़ा सा बताते हैं। ये दो बोला, तीन बोला जी रहे, इस तरीके से ए बी सी तीन होल नंबर है तो ए इंटू बी इंटू सी करने के बाद जो आएगा वही आएगा ए इंटू बी इंटू सी। डेट में देखिए एग्जाम्पल समझिएगा कि यदि 2 × 3 × 5 यहाँ पर, तो जो आएगा 2 × 3 × 5 रिजल्ट सेम आएगा, 2 × 15 और 6 × 5। देखिए दोनों तरफ रिजल्ट क्या आया, 30 आया। ये प्रॉपर्टी है, तो मेनली आप लोगों को यही प्रॉपर्टी है वो आप इसके बारे में बता दें, आप लोगों को प्रॉपर्टी उसके बारे में जाना नहीं है। लेकिन ऐसे प्रॉपर्टियां का भी कुछ खास नाम होता है, जैसे देखिए उसको हम लोग कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहते हैं। जो आप लोग को पढ़ना नहीं है लेकिन हम बता दिए, ध्यान से सुनिए, इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहते हैं, इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं, इसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। बाकी तो इसमें जो कुछ है नहीं, गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है। जो आप लोग इस आप लोग को इस चैप्टर का क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया जाएगा, आप लोग इसको बनाइएगा,
और कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर संपर्क कीजिएगा। कुछ है ना ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 3 भी कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई है, फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है ना, नाम लिखना है कौन सा प्रॉपर्टी उसमें लगा है। तो आपका बुक में तो जो हम बताएं वो नहीं है, हम जो बताएं वो आपका बुक में नहीं है। आपका बुक में सिर्फ प्रॉपर्टी इस तरीके से लिखा हुआ है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ फैक्ट्री डज नॉट चेंजिंग द प्रोडक्ट, लेकिन इसका नाम होता है जो हम बता देते हैं आप लोग को। इस प्रॉपर्टी का नाम है प्रॉपर्टी ऑफ वन। ए प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से सब प्रॉपर्टी का नाम हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करना है जो आप लोग कर लीजिएगा, तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आप लोग बना लीजिएगा। तो आप लोग को एक्सरसाइज 3 भी इसी पर बनाना है, एक्सरसाइज 3 भी आप लोग बनाइएगा। हाँ एक जरूरी बात यह है कि आप लोग बुक खरीद लीजिए, आप लोग को पहले से ही बोला जा रहा है मार्केट में बुक अवेलेबल हो चुका है, बहुत सारे किताब की दुकान है, सरस्वती पुस्तक भंडार हो गया है आपका, नॉवल्टी है और सारी बुक की दुकानें, कहीं पर आपका बुक मिल जाएगा, सब खरीद लीजिएगा और इससे आप लोग को सुविधा होगा बनाने में भी। तो एक्सरसाइज 3 भी आप लोग को क्वेश्चन सेंड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा, आप लोग बनाइएगा, कहीं पर दिक्कत होगा संपर्क कीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं आप लोग से, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू।